नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से चुनावी तैयारियां में लग गई है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेताओं का जो दौर है, बिहार दौरा जो है वो शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा आए, देवेंद्र फडणवीस जो बिहार चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के वो भी आए, और आज आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा भी पटना पहुँचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही उन्होंने आरजेडी पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसलिए दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि इस बार जो है नीतीश कुमार तो हैं, विकास पुरुष एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कौन है? अगर कोई है तो जेल में है, नहीं तो युवराज है। इस बार का चुनाव जो है विकास वर्सेस युवराज होगा। और साथ ही साथ उन्होंने रघुवंश बाबू को लेकर भी एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि एक लोटा पानी से आरजेडी रघुवंश बाबू का बराबरी कर रही है, उसी एक लोटा पानी से आरजेडी का हम तर्पण करेंगे। इसके साथ ही जब हमारी बातचीत हुई आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए आप। समित पात्रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि नीतीश कुमार भक्त जेल है राजकुमार। देखिए, संबित पात्रा तो अपने पहले चुनाव लड़के हार चुके हैं, तो बीजेपी सब जो फेल हो गया है उसी सब को बिहार चुनाव में पास करने के लिए भेज रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में सरकारें ने बनाई तो बिहार में चुनाव प्रभारी, झारखंड में रघुवर दास जी आए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबित पात्रा अपना चुनाव जीतिए नहीं पाए उड़ीसा में, लहर था ना भाई। 2019 लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का पास नहीं हुआ वो यहाँ बीजेपी को क्या पास करेगा? ये बड़का झंझटिया पार्टी है और संबित पात्रा जी को पता है ये बिहार, इस बार बिहार की जनता 2015 में तो प्रधानमंत्री जी का उल्टे पांव वापस भेज करके स्वागत किया था, अभी 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लोग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सस्पेंस है, जनता से डरी हुई है बीजेपी। इससे कोई फायदा नहीं होगा 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि 70,000 जगह करें, जनता पूछ रही है 15 वर्षों का हिसाब। आप काम तो डबल इंजन सरकार में क्या किया, तो ये 70 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताएं? क्या लगता है सर, बोल रहे हैं कि लंटेन तो है लेकिन न तेज है न प्रताप है, नाम के लंटेन रह गए। लालटेन याद आ रही है ना, लालटेन में तेज भी है प्रताप भी है, इसलिए वो आकर के दिल्ली से आए हैं यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। लालटेन के लव में एनडीए धधक गया, बीजेपी आग लग जाएगी और एनडीए खाक हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो वर्क फ्रॉम मोदी का जो एक अभियान चलाया है वो आज से शुरू हो गया है, जनता तक जाने की कोशिश लग गए लोग। देखिए, उनके कार्यकर्ता जो है मुट्ठी भर अब उनके जन्मदिन को लेकर के भाई, जिसके भूख पेट में लगी हुई है, जिसको घर में बेरोजगार है, नौजवान चारों ओर भूखमरी है, गरीबी है, हाहाकार है, ये कह रहे हैं कि हम मना रहे हैं उत्साह। अरे उत्साह उमंग कहाँ से आएगा, पेट में अन्न है नहीं, ये जो है दिखा रहे हैं उत्साह और कोई फायदा होने वाला नहीं है। आता पता नाम लेवा नहीं बचेगा बिहार में बीजेपी का, एनडीए का चुनाव इंतजार कर लीजिए। इंस्टीट्यूट के साथ शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।